नीतीश जी, आप अगर चाहें तो 20% को बढ़ाकर 35% कर दीजिए। किसने आपको रोका है? हम तो चाहेंगे कि अति पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ाया जाए। हमारी चिंता केवल एक ये है कि आपके कारण कहीं बिहार का चुनाव फिर न रुक जाए। लोगों का करोड़ों रुपया फिर जो खर्च कर रहे हैं वो पैसा कहीं पानी में न चला जाए। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा वक्त में राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी ने बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि मध्य प्रदेश के डेडिकेटेड आयोग के हिसाब से बिहार में बनाए जाने की बात कहना गलत है। उन्होंने कहा कि ये तुलना ही जो है कहीं से नहीं हो सकती है। दरअसल सुशील मोदी नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट की रोक के बाद राज्य सरकार ने जो कमेटी बनाई और जिसकी रिपोर्ट के आधार पर फिर से राज्य में निकाय चुनाव कराए जाने हैं, उस पर ही सवाल खड़े कर दिया है। सुशील मोदी ने कहा है कि पहले से गठित अति पिछड़ा वर्ग आयोग को विशेष आयोग का दर्जा मध्य प्रदेश की तर्ज पर दिया गया है। मोदी ने कहा है कि निकाय चुनाव में पिछड़े को आरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2 सितंबर 2021 को नया आयोग गठित कर दिया था, जिसमें पिछड़े वर्गों के आरक्षण और चुनाव संबंधी मामलों का अध्ययन कर रिपोर्ट दी गई थी। मोदी ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश के तर्ज पर काम करने का दावा बिहार सरकार कर रही है तो बिहार राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग ने निकाय चुनाव और आरक्षण संबंधी मामलों में अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की है। मध्य प्रदेश के विशेष आयोग ने तो अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की और हाईकोर्ट को भी सौंपी। सुशील मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में पुरानी चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर नए सिरे से निकाय चुनाव कराए गए, जबकि बिहार सरकार पुराने नामांकन पर ही चुनाव करा लेना चाहती है। उन्होंने कहा है कि जब मध्य प्रदेश में पिछड़ों को 35% आरक्षण दिया गया तब बिहार में इसे 20% पर ही चून ला के छोड़ दिया गया। क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी राज्य सरकार पर यह बड़ा हमला बोलते हुए, सुनवाते हैं आपको। मेरी मध्य प्रदेश के जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के चेयरमैन, उनसे भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ट्रिपल टेस्ट की ही जाँच करने के लिए और पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण से जुड़े मुद्दों की जांच करने के लिए 2 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया था। वहां स्थायी रूप से एक अलग से पिछड़ा वर्ग आयोग काम कर रहा है। इसलिए पहला तो कि बिहार सरकार को इस प्रकार की गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को 35% का आरक्षण है और बिहार में अति पिछड़ों को केवल 20% का आरक्षण दिया गया। नीतीश जी, आप अगर चाहें तो 20% को बढ़ाकर 35% कर दीजिए। किसने आपको रोका है? हम तो चाहेंगे कि अति पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ाया जाए। फिर आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहाँ की सरकार ने रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को जमा किया, हाईकोर्ट को जमा किया, सार्वजनिक किया। आखिर क्या करें कि बिहार में अभी तक रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया? क्यों उसको गोपनीय दस्तावेज बनाकर रखा गया है? फिर मध्य प्रदेश में पुराने चुनाव को रद्द करके नया चुनाव कराया गया वहाँ पर, और आप पुरानी अधिसूचना पर जिन लोगों ने नामांकन किया था उन्हीं लोगों को का फिर आप चुनाव करा रहे हैं। आपको भी चाहिए कि नए सिरे से चुनाव कराएं। और फिर सबसे महत्व की बात है कि 28 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड आयोग के रूप में काम करने से रोका जाता है, उसको नोटिफाई करने से रुका जाता है, तो फिर आपको तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था और जाकर कोर्ट से आग्रह करना चाहिए था कि इस आदेश को विड्रॉ करें। हमारी चिंता केवल एक ये है कि आपके कारण कहीं बिहार का चुनाव फिर न रुक जाए। लोगों का करोड़ों रुपया फिर जो खर्च कर रहे हैं वो पैसा कहीं पानी में न चला जाए। नीतीश जी, कानून का पालन कीजिए और जल्द से जल्द अति पिछड़ों को आरक्षण देकर चुनाव कराइए।